गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज फाइन. सो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का, आपके इंग्लिश बुक है कि नहीं, न्यू एज वेज, उसका चैप्टर नंबर 1. ओके, पेज नंबर 5 निकालिए सबको. तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ बैट फॉर ए रैट. इसका मतलब क्या है? एक रैट के लिए, चूहा के लिए एक बैट. जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, तो ए बैट फॉर ए रैट. ओके, बैट मतलब जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, रैट मतलब चूहा. सो पहले हम उसको रीडिंग करेंगे पोएम को, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी. ओके, सो मिस्टर स्क्वीकी वॉन्ट्स टू बाय ए बैट फॉर ए रैट. जंप्ड मिस्टर हॉप, देयर इज नो बैट फॉर ए रैट इन माई शॉप. सो मिस्टर स्क्वीकी हरिड एंड स्कर्रीड अप एंड डाउन, couldn't find a small bat in the whole town. Come here Mr. Squeaky, I will make a bat for you. No Mr. Cat, you can't just sit away and mew. Mr. Elephant had lots of food all around. He made a small bed and now Squeaky and the elephant are playing in the ground. So this is the poem written by, the author name is Roma Malik. Okay, so पहला सवाल हम पढ़ेंगे. Mr. Squeaky wants to buy a bat for a rat. तो यहाँ पे Mr. Squeaky कौन है? Mr. Squeaky rat का नाम है. जो rat है वो Mr. Squeaky है. तो उसको एक bat खरीदना था. किस लिए खरीदना था? क्रिकेट खेलने के लिए. तो Mr. Squeaky wants to buy a bat. तो वो क्या खरीदने के लिए दुकान पर पूछा कि क्या मेरे लिए बैट है? तो दुकान वाला बोला, अरे चूहा के लिए बैट, ए बैट फॉर ए रैट. जंप्ड मिस्टर हॉप, मिस्टर हॉप कौन है? मिस्टर हॉप दुकानदार, शॉपकीपर का नाम है. तो वो क्या बोले? देयर इज नो बैट फॉर ए रैट इन माय शॉप. मेरे दुकान में रैट के लिए कोई भी बैट नहीं है. सो नेक्स्ट स्टैंड में पढ़ेंगे. मिस्टर स्क्वीकी हरिड एंड स्कर्रीड अप एंड डाउन, कुडंट फाइंड ए स्मॉल बैट इन द होल टाउन. तो मिस्टर स्क्वीकी जो थे, हरिड मतलब जल्दी जल्दी में क्या किए? पूरे टाउन का चक्कर लगाए, पूरे टाउन का चक्कर लगाए. स्कर्रीड मतलब घबराहट में, आगे पीछे कूदना ये करके. ओके, पूरे टाउन का चक्कर लगाए कहीं पे बैट मिल जाए. तो लेकिन उनको तब भी बैट नहीं मिला. किसको नहीं मिला? मिस्टर स्क्वीकी को. तो मिस्टर स्क्वीकी चल चल के जा रहे हैं थे, तभी एक पुसी कैट. ओके, सो वो क्या उसको बुलाए. तो बोले, कम हियर मिस्टर स्क्वीकी, आई विल मेक ए बैट फॉर यू. तो बोले कि अरे स्क्वीकी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए एक बैट बना दूंगा. क्यों बुला रहा था मिस्टर कैट? क्योंकि वो चूहा को खा जाता. लेकिन मिस्टर स्क्वीकी भी बहुत चालाक थे. वो बोले कि नहीं 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 नहीं, नो मिस्टर कैट, तुम दूर ही मेरे से रहो और म्याऊ म्याऊ करो. मुझे तुमसे कोई बैट नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनी बैट फ्रॉम यू. सो फिर क्या किए? उनको तभी बैट नहीं मिला मिस्टर स्क्वीकी को. फिर मिस्टर स्क्वीकी चल चल के बैट ढूंढना स्टार्ट कर दिए. तभी क्या देखे? एक मिस्टर एलिफेंट. वो क्या कर रहा था? उसके पास बहुत सारे लॉक्स ऑफ फूड थे, मतलब काठ का गोला. ओके, इतना बड़ा बड़ा साइज. तो वो बोले, ही मेड स्मॉल बेट एंड नाउ, वो क्या किए? वो जब जाके पूछे मिस्टर स्क्वीकी कि मेरे लिए आप क्या बेट बना दोगे, आपके पास तो इतना सा लकड़ी है. तो मिस्टर एलिफेंट उसके लिए एक बैट बना दिए. और अभी क्या किए? दोनों दोस्त बन गए और दोनों ग्राउंड में खेलने लग गए बॉर्डन. ओके, सो तो यहाँ पे देखियो बेटा, सब कोई यहाँ पे हम राइमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे. जैसे बैट रैट, हॉप शॉप, हरिड स्कर्रीड. ओके, डाउन टाउन. ओके, सो तो अराउंड ग्राउंड. व्हाट डू मीन बाई राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स मतलब जो कोई भी वर्ड्स जो एक तरह सुनाई दे. जैसे कि सैट मैट है कि नहीं?
सैट और मैट ये एक ही तरह से इधर आए, क्यों? क्योंकि दोनों में एट एट है, तो इसको बोला जाएगा राइमिंग वर्ड्स। हॉप शॉप राइमिंग वर्ड्स है कि नहीं, एक एक ही तरह स्नेह दे रहा है कि नहीं, तो उसको बोला जाएगा राइमिंग वर्ड्स। तो आप लोग पेज निकालो, लेट्स रीड। ओके देखो यहाँ पे है बैट कैट हैट मैट रैट सैट, ये सब क्या है? सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, एक ही तरह सुनाई दे रहा है। उसी तरह कैप मैप लैप टैप क्लैप नैप, ये भी राइमिंग वर्ड है। बैड सैड डैड फैड मैड हैड, ओके ये सब है राइमिंग वर्ड्स। बैन कैन फैन मैन रैन वैन, ये भी राइमिंग वर्ड्स है। बैग सैड टैग रैग वैग नैग, ओके सो अभी आपको समझ में आ गया कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या है। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है मिस्टर स्क्वीकी वांटेड टू बाय ए रैट, खरीदना चाहते थे या बैट खरीदना चाहते थे या कैट खरीदना चाहते थे या हैट खरीदना चाहते थे, तो क्या खरीदना चाहते थे? मिस्टर स्क्वीकी वांटेड टू बाय ए बैट, यहाँ पे आपको टिक करना है। उसी तरह द एलिफेंट हैड एन एप्पल एन ऑरेंज लॉग्स या ए बैट, तो एलिफेंट मिस्टर एलिफेंट के पास क्या था? वुड था, लॉग्स ऑफ वुड था, तो सी होगा, लॉग्स में आप टिक करना है। थर्ड नंबर द शॉपकीपर्स नेम वाज, शॉपकीपर का नाम क्या था? रेड था? नहीं। कैट था? नहीं। मिस्टर हॉप था? यस, द आंसर इज सी मिस्टर हॉप। उस तरह नंबर फोर मिस्टर कैट वांटेड टू मेक ए रैट, बना चाहते थे या बैट बना चाहते थे या मैट या बॉल। मिस्टर कैट क्यों बुलाया रैट को? कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए बैट बना दूंगा, तो आंसर विल बी बी बैट। ओके सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू एंड आई विल गिव यू ऑल्सो सम क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस, यू नीड टू डू इट। ओके एंड प्लीज राइट इन योर स्कूल नोटबुक। ओके सो दिस इज फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द एक्शन टाइम। ओके एक्शन वर्ड्स। ओके थैंक यू।